वेलकम क्लास 10। आज हम आप लोगों से फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड, ये आपका क्वेश्चन इस बार बोर्ड में भी आया था 2020 में और एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है, तो उसको समझें और इससे ही और भी क्वेश्चन इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले इसको एक एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन है आपका कि प्रूव डेट रूट 5 इज आयरेशनल नंबर। तो आयरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है, तो यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में लेट रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी माने हैं, ठीक है। जैसा हम लोगों ने बहुत बार डिफिनेशन में रेशनल नंबर के बारे में क्लास 8 तक आप लोगों ने पढ़ा था कि वेयर पी अपॉन क्यू, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट्स करेक्ट, नो डाउट। बट अकॉर्डिंग टू क्लास 9 द रेशनल नंबर द सेट ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पी क्यू आर द इंटीजर्स एंड आफ्टर फ्रैक्शन टू डेसिमल इट्स रिपीटिंग टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग इट्स कॉल्ड ए रेशनल नंबर, ओके। तो यहाँ इसी पैटर्न पे हम लोग यहाँ लेट रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी माने हैं, ठीक है। इज़ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर होगा तो यहाँ वेयर ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर, इसीलिए हमने लिखा है ए एंड बी आर द को प्राइम नंबर। और इसके बारे में अगर डिटेल देखना होगा तो को प्राइम नंबर रियल नंबर में ये सारे चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर दिया है, उस वीडियो को आप जाके देख के और क्लियरिफिकेशन समझ सकते हैं, ठीक है। तो को प्राइम नंबर डैट द मीन्स द पेयर ऑफ टू नंबर्स विच एस सी एफ इक्वल टू 1, यहाँ बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, वाई, क्योंकि 1/0 अगर होगा तो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है, इसलिए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाउ रूट 5 इक्वल टू ए बाई बी, तो ए बाई बी स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड, तो 5 हो गया, रूट 5 का ये क्या हो गया, 5 हो गया, इधर आपका क्या हो गया ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दिया तो 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पुट ए इक्वल टू, यहाँ जो ये आपका दिया है ए इक्वल टू, इसी के मल्टीपल ऑफ टाइम्स में करेंगे। अगर सपोज डेट नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि यहाँ अगर सपोज डेट रूट 3 होता 9 हो जाता, तो यहाँ 9 ये ए जो हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ रूट 5 था, अगर ये रूट 3 होता तो 3 हो जाता है, तो 3 होता तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इक्वल टू 3 सी हमको पुट करना होता है, लेकिन यहाँ 5 है, जो जिसके मल्टीपल ऑफ टर्म्स में रहेगा वही मल्टीपल्स में यहाँ पुट किया जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू 5 सी लिया, अब यही इस वैल्यू यानी इस इक्वेशन में डालने के बाद 5b² इक्वल 25c², तो आप देख सकते हो कि 5 दोनों तरफ मल्टीपल ऑफ टाइम्स हैं, दैट द मीन्स ऑफ द 5 इज़ द अनदर फैक्टर, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल लेट गिवेन में हमने क्या माना था, को प्राइम नंबर होता क्या है कि ओनली 1 ACF, लेकिन यहाँ एक और निकल गया 5, तो हमारा एज्यूम क्या हो गया, कंट्राडिक्ट हो गया। देन LHS एंड RHS इज 1 फैक्टर ऑन बोथ साइड्स 5, देन माई एज्यूम इज कंट्राडिक्ट, सो रूट 5 इज आयरेशनल नंबर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।